हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कंसेंट, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेंट, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, दे आर सेट टू कंसेंट। जब दो लोग या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं किसी एक चीज़ के लिए उसी सेंस के अंदर, तब हम उस चीज़ को कहते हैं कि कंसेंट। ठीक है, वो उस कंसेंट में है या उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स क्या हैं कंसेंट के, कि ये वॉलेंट्री होना चाहिए। मतलब हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं करवा सकते हैं, वो उस चीज़ के लिए एग्री करना चाहिए। वो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्टेबल होगा मतलब। देन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, जो भी चीज़ें हम कंसेंट में लिखवाते हैं या बताते हैं वो उस सामने वाले को पता होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और कॉम्प्रिहेंडिंग मतलब फुल सारी इन्फॉर्मेशन क्लियरली लोकल लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट्स हैं वॉलेंट्री, लीगली कॉम्पिटेंट, इन्फॉर्म्ड एंड कॉम्प्रिहेंडिंग। देन कंसेंट की डेफिनेशन जो है वो कई बार वाइवा में पूछी जाती है। शॉर्ट नोट्स में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जो भी हमारी केस हिस्ट्री रिकॉर्डिंग जो रहता है उसमें भी ये कंसेंट का वाइवा क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो हमें पता होना चाहिए ये। देन हु कैन गिव कंसेंट, कंसेंट कैन बी गिवन बाय एनी पर्सन हु इज़ कॉन्शियस, मेंटली साउंड और अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज। ये क्राइटेरियाज रहते हैं जो कि कंसेंट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल कॉन्शियस हो, बिल्कुल अपने मेंटली उनकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव हो, देन 12 ईयर्स ऑफ एज से ज़्यादा उनकी एज रहे। देन अंडर सेक्शंस 88 एंड 90 ऑफ इंडियन पैनल कोड IPC, तो ये धारा 88 एंड 90 IPC के तहत ये चीज़ वैलिड की गई है कि जो कॉन्शियस हों, मेंटली साउंड और अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज के हों, वो कंसेंट दे सकते हैं। देन डॉक्टर्स आर रिमाइंडेड दैट कंसेंट इज टेकन अंडर सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डॉक्टर्स को भी रिमाइंड किया गया कि आप कंसेंट को लेना है सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत, जो कि 1872 में दिया गया था। देन कंसेंट शुड बी ऑब्टेन्ड स्पेशली इन रिटन कंसेंट, ठीक है, हमें ओरल से भी ज़्यादा रिटन कंसेंट चाहिए, जो कि पेरेंट्स, गार्जियंस एंड जो भी पेशेंट रहते हैं जो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज रहते हैं, ताकि हमें उनसे रिटन कंसेंट लेना होगा, सो दैट वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट चैलेंजेबल। मतलब वो जो भी हम कंसेंट या जिस चीज़ के लिए भी हम एग्री हो रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए, तो उसे हमें रिटन फॉर्म में लेना होगा। देन व्हेन कंसेंट इज नॉट वैलिड, कब कंसेंट वैलिड नहीं होगा, जब हम किसी को डरा धमका कर, अंडर फियर या फ्रॉड करके, या फैक्ट्स हम उन्हें कुछ और बता रहे हैं और पेपर में कुछ और लिखा है, दैट टाइम इट इज नॉट वैलिड। और कब होगा, व्हेन अ पर्सन हु इज इग्नोरेंट ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंसेंट, जो हम चीज़ बता रहे हैं, जो भी पर्सन जिसको हमने बताया वो इस चीज़ को इग्नोर करे, तो क्या रहेगा जब वैलिड नहीं रहेगा, कंसेंट गिवन अंडर फियर, फ्रॉड एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, इन तीन कंडीशन में कंसेंट वैलिड नहीं रहेगा। और कब वैलिड नहीं रहेगा, जब हु इज और अ पर्सन इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, दैट टाइम ऑल्सो कंसेंट जो है वो इनवैलिड रहेगा। ये सेक्शन 90 IPC के तहत ये चीज़ वैलिड है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है कि वैलिड कब नहीं रहेगा। देन टाइप्स ऑफ कंसेंट, अब कितने तरीके के कंसेंट रहते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस इन ईच केस, हर केस के सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये अलग अलग रहेंगे। तो सबसे पहला रहेगा हमारा इम्प्लाइड कंसेंट, जिसे टैसिट कंसेंट भी कहते हैं। सेकंड, एक्सप्रेस कंसेंट। थर्ड इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एंड
फोर्थ इज प्रॉक्सी कंसेंट। ठीक है, तो आप इसे बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं, पाई, इम्प्लाइड पाई। ठीक है, जो पाई चार्ट रहेगा ना, उस ऐसे शॉर्ट फॉर्म में निमोनिक के तौर पे आप याद रख लीजिए, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड कंसेंट। देन पी फॉर प्रॉक्सी कंसेंट, आई फॉर इन्फॉर्म्ड एंड ई फॉर एक्सप्रेस कंसेंट। तो ये इस तरीके का एक कंसेंट फॉर्म रहता है जिसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपना पूरा डिटेल में हम बता देते हैं उन्हें कि ये चीज़ के हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, और फिर बाद में उनका यहाँ पर हम साइन ले लेते हैं, जो भी उनका साइन रहता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग अलग कंसेंट फॉर्म्स रहते हैं जिसे हम रिटन तौर पर लेते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि कंसेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कंसेंट है हमारा इम्प्लाइड कंसेंट, जिसे हम टैसिट कंसेंट भी बोलते हैं। पेशेंट कम्स टू अ डॉक्टर फॉर एन एलमेंट इम्प्लाइज दैट ही इज एग्रीएबल टू मेडिकल एग्जामिनेशन इन जनरल सेंस। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन वेराइटी का कंसेंट रहता है। इसमें जब भी पेशेंट डॉक्टर के पास आता है तो वो एग्री करता है कि जो भी जनरल सेंस में जो भी एग्जामिनेशन होंगे वो उसको एग्री करता है। ठीक है, ये चीज़। तो अभी इस इम्प्लाइड कंसेंट को हम कैसे कह सकते हैं, जैसे कि अभी आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप एग्री कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमें जनरल सेंस में इस लेक्चर को सुनना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये एक आप अपनी परमिशन दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये वाला लेक्चर हमें देखना है। तो ये जनरल फॉर्म में इम्प्लाइड कंसेंट रहता है, जिसे टैसिट कंसेंट भी कहा जाता है। इम्प्लाइड कंसेंट के बाद में आता है एक्सप्रेस कंसेंट। इसमें हम पेशेंट को या तो वी आस्क द पेशेंट, ठीक है, या फिर ओरल या रिटन फॉर्म में उसका कंसेंट हम लेते हैं। जैसे कि कई बार हम अगर हमें माइनर प्रोसीजर्स करने हैं किसी भी पेशेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करना है, तो हम उन्हें ओरल या रिटन फॉर्म के अंदर हम उनको उनका बीपी चेक करके बता देते हैं कि आपका बीपी ये है। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक्सप्रेस कंसेंट होता है। देन थर्ड जो कंसेंट है हमारा, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट देखिए इसी के वर्ड में ही आ रहा है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसे हम कॉम्प्रिहेंसिबल नॉन मेडिकल टर्म्स के अंदर पेशेंट को बताते हैं, स्पेशली लोकल लैंग्वेज में बताते हैं। जैसे कि जो भी हम उनका ट्रीटमेंट दे रहे हैं, इस ट्रीटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं, इसका क्या रिस्क है, इसके क्या प्रोग्नोसिस है, या इसका कौन सा ऑल्टरनेटिव जो है ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट रहेगा, ठीक है, उसके क्या रिस्क हैं, बेनिफिट्स हैं, और क्या प्लेसिबो इफ़ेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट में करते हैं। मतलब हर चीज़ की, देखिए इसी वर्ड से ही आ रहा है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन हम उसको बताते हैं। देन आते हैं अब हम प्रॉक्सी कंसेंट। तो प्रॉक्सी कंसेंट में क्या रहता है कि जब चाइल्ड है तो उसके लिए पेरेंट्स कंसेंट देते हैं, कोई क्लोज रिलेटिव देता है कंसेंट, अगर कोई मेंटली अनसाउंड है या अनकॉन्शियस पेशेंट है तब उसके लिए प्रॉक्सी कंसेंट जो है वो पेरेंट्स या फिर क्लोज रिलेटिव्स देते हैं। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कंसेंट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम सब्स्टिट्यूट कंसेंट भी रहता है। तो हमें चारों तरीके के इंसेंट जो कंसेंट है पता लगे हैं, इम्प्लाइड, एक्सप्रेस, इन्फॉर्म्ड एंड प्रॉक्सी। ठीक है, तो इम्प्लाइड इसको हम निमोनिक के तौर पे कैसे याद रख सकते हैं, इम्प्लाइड पाई। ठीक है, इम्प्लाइड पाई। तो प्रॉक्सी, इन्फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस। तो ये वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अगर हम एक दो बार इसको अगर पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है। तो आप इसको दो तीन बार अगर देखते हैं तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देन द सिचुएशन वेयर कंसेंट मे नॉट बी ऑब्टेंड। ठीक है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस रहती हैं जब हम कंसेंट नहीं ले सकते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि हमें ऐसी कंडीशंस बताइए जब हम कंसेंट नहीं लेते हैं। तो मेडिकल एमरजेंसीज, अगर किसी का बहुत मेजर कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई सीरियस पेशेंट है तब हम कंसेंट नहीं लेंगे। अगर पर्सन को नोटिफाइबल डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल एचआईवी है या फिर
जो एचआईवी पॉजिटिव या एड्स एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम लोग कंसेंट नहीं ऑब्टेन करते। इमिग्रेंट्स जो बाहर से आते हैं, ठीक है, जो दूसरी कंट्री से आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं, उनका भी हम कंसेंट नहीं ले सकते हैं। देन मेंबर्स जो आर्म्ड फोर्स के रहते हैं या फूड और डेयरी मैन जो होते हैं, जो फूड को हैंडल करते हैं, उनका भी कंसेंट नहीं लिया जा सकता है। प्रिजन में जो अभी नए नए जो कैदी आए हैं उनका नहीं होगा। देन कोर्ट ने किसी पर्सन को साइकेट्रिक एग्जामिनेशन या ट्रीटमेंट का ऑर्डर दिया है, उनका भी कंसेंट हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। देन अंडर सेक्शन 53 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स के टाइम पे जब पुलिस ने रिक्वेस्ट की है किसी भी पर्सन को कुछ भी सवाल जवाब करने के लिए, उस टाइम पे भी कंसेंट नहीं लिया जा सकता है। तो ये वो सिचुएशन है जहाँ कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया जाता है। देन ऐसी कई कंडीशंस रहती हैं जब हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। मतलब हमने कंसेंट फॉर्म पे साइन तो ले लिया, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हमने साइन ले लिया तो हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी का कर लें, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, हमें कौन सी सिचुएशंस में ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जब कोई ऑपरेशन के टाइम पर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉडी के अंदर रिटेन रह जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई पैक, सीजर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर रह गया, तब भी ये कंसेंट जो है वो वैलिड नहीं रहेगा। देन एक्सीडेंट और एमरजेंसी डिपार्टमेंट के टाइम पे सीनियर स्टाफ को वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी है, अगर ऐसा नहीं है तो कंसेंट नहीं माना जाएगा। देन कई बार एम्पिटेशन ऑफ रॉन्ग लिम्ब डिजिट और टूथ इज़ अ कॉमन मिसहैप। अगर किसी डॉक्टर ने रॉन्ग लिम्ब अगर है या कोई फिंगर की जो डिजिट है उसको कट कर दिया, या टूथ को अलग से जो हटाना है उसकी जगह किसी और रॉन्ग टूथ का एक्सट्रैक्शन कर दिया, तब उस टाइम पे भी ये कंसेंट वैलिड नहीं रहेगा। अब जो एनेस्थेशिया देने के टाइम पर जो एनेस्थेटिक्स होते हैं, इनमें भी दे ऑल्सो फॉर्म अ कॉमन ग्राउंड फॉर एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस। इनको भी नेग्लिजेंस के कटघरे में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा सिचुएशंस हैं जब हमको ध्यान रखना है कि कंसेंट जो है वैलिड नहीं रहेगा। तो ये कई बार शॉर्ट नोट में आता है, कई बार ये लॉन्ग नोट का पार्ट हो सकता है, और वाइवा का तो ये स्टार क्वेश्चन है। तो हमें ये टॉपिक पता होना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।